नमस्कार, मौसम के ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। अब जल्द ही देश के कई राज्यों में प्री मानसून वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस समय अगर मौसम की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। अब जल्द ही कई मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग हिस्सों में बन सकते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दो दिन के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते राजस्थान पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जहां से एक तरफ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र तक बन सकती है। इन मौसमी सिस्टम के चलते उत्तर भारत तक पूर्वी हवा आने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 22 मई की बात की जाए तो राजस्थान में आंधी चलने की संभावना है और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ में गरज के साथ बूंदाबांदी होगी। वहीं 23 मई की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की बारिश होने, उत्तर पश्चिम भारत में आंधी चलने की संभावना है। वहीं 24 से लेकर 28 मई की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। वहीं लद्दाख, उत्तराखंड के अनेक भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, नागौर, जोधपुर तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में मई महीने के आखिर तक प्री मानसून वर्षा की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान जहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 22 और 23 मई को मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ में गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 25 से लेकर 28 मई के बीच मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि मध्य प्रदेश के शेष भागों, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर वर्षा की संभावना बहुत कम है, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा के एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। 23 से लेकर 28 मई के बीच गांगी पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार में कई दिनों के बाद अच्छी प्री मानसून वर्षा की संभावना इस सप्ताह बन रही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में इस दौरान असम, मेघालय के कई भागों में भारी बारिश होगी, शेष इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी, वहीं 27 मई से तेज बारिश की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो इस सप्ताह के दौरान तटीय दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, केरल में तेज बारिश होगी, शेष इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आज मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।